हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज चैनल में चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट कवर करेंगे इसमें काफी वैकेंसीज है मतलब हर पोस्ट है इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए वैकेंसीज है मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी मेन पीजीटी टीजीटी पीआरटी पी एन स्पोर्ट्स म्यूजिक डांस कोचेज एंड इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड इसके अलावा हार्डवेयर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर स्मार्ट बोर्ड सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव तो मतलब कुल मिला के काफी वैकेंसीज है सबसे अच्छी बात यह कि इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बहुत जल्दी कॉल आएगा इंटरव्यूज के लिए एंड बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी क्योंकि इन्होंने एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि इमिजिएट ज्वाइनिंग देंगे ये तो एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स के लिए आगे आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी न्यूज़पेपर पेपर एडवर्टीजमेंट है जैसा आपको भी पता है तीन जुलाई, जुलाई 2024 हजार जुलाई 2024 थाउजेंड वेंसडे बुधवार के दिन काफी सारी वैकेंसीज आती है टाइम्स ऑफ इंडिया में इस बार बहुत कम वैकेंसीज आई हैं क्योंकि एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है तो फिर भी जो भी अच्छी वैकेंसीज हैं वो कवर कर दी जाती है वीडियोज बना के तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन आगे ले लें तो बेसिकली हम बात करेंगे ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया इन्होंने तो ऑल सब्जेक्ट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है इनको पहले तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है टेन ईयर का वो वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट पीआरटी ऑल सब्जेक्ट प्री प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए एमपेड कैंडिडेट चाहिए और सी ए क्वालिफाइड अगर कैंडिडेट है कोई तो अकाउंट एंड फाइनेंस एक्जीक्यूटिव के लिए एचआरएन लीगल एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आपके पास एलएलबी या एलएलएम है ह्यूमन रिलेशन में रिसेप्शनिस्ट सीबीएसई डेटा एंट्री क्लर्क एडमिशन काउंसलर, करियर काउंसलर क्लर्क के लिए तो क्या कोई भी ग्रेजुएट जिनको थोड़ा डेटा एंट्री का काम आता है वो अप्लाई कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट के लिए भी कोई भी फीमेल या मेल कैंडिडेट जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है वह अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग की कोई सर्टिफिकेट है तो करियर काउंसलर के लिए इन्वेंट्री स्टोर्स रिकॉर्ड क्लर्क इन सब में ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में एमबीए वाले या बैचलर इन मैनेजमेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं मार्केटिंग में स्कूल नर्स की रिक्वायरमेंट है म्यूजिक डांस स्पोर्ट्स पार्ट टाइम कोचेस कल्चरल एग्जीक्यूटिव और इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग हार्डवेयर से रिलेटेड वैकेंसीज है द संस्कृति स्कूल लखनऊ संस्कृति स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से जो भी वेकेंसीज आती है मैं कवर इसलिए भी कर देती हूं बिकॉज लखनऊ में वैकेंसीज गवर्नमेंट की तो बिल्कुल नहीं आ रही हैं बहुत सालों से कैंडिडेट वेट करे तो एटलीस्ट प्राइवेट में जिनको अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है तो ये प्राइवेट स्कूल है प्राइवेट स्कूल है तो आपको जॉब सिक्योरिटी वगैरह अब ये डिपेंड करता है स्कूल कैसा है आप में से किसी ने काम किया है ऑलरेडी तो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में सो दैट बाकी कैंडिडेट को हेल्प मिल जाए द संस्कृति स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल नहीं है इसकी एग्जैक्ट एड्रेस अगर आप देखेंगे सीजी सिटी चक गंजारिया नियर एकाना क्रिकेट स्टेडियम शहीद पथ लखनऊ उत्तर प्रदेश तो ये है और इसमें इन्होंने लिखा है कि इमिजिएट uh, बेसिस पर इनको तुरंत रिक्वायरमेंट है तो जो भी आपको एक्सपीरियंस है नहीं है अप्लाई कर दें क्वालिफिकेशन की डिटेल जैसे रहती है सीबीएसई के लिए पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए टीजीटी के लिए ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए पीआरटी के लिए मिनिमम तो आजकल प्राइवेट स्कूल में ग्रेजुएशन तो मांगते ही है एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट बीएड या फिर जो भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड बीटीसी जो भी है जेबीटी जो भी है एनटीटी के लिए मोन्टेसी ट्रेन है नर्सरी ट्रेन है या ईसी e. e. करके कुछ क्वालिफिकेशन होती है ना वो है तो अप्लाई कर सकते हैं एमपेड वाले स्पोर्ट्स के लिए कर सकते हैं बाकी जो भी है ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में नीचे जितने भी पोस्ट है उनमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं अगर रिलेटेड स्ट्रीम में आपके पास कोई भी थोड़ा एक्सपीरियंस है या उससे रिलेटेड आपके पास एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है म्यूजिक डांस स्पोर्ट्स ये सब सब जितने भी है ना इसमें अगर आप बैचलर या डिप्लोमा होल्डर हैं तो अच्छा है अप्लाई करने के लिए या फिर अगर आपके पास कोई इनसे रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक्सपीरियंस ही है अगर आपने डांस सिखाया ही है कुछ सालों तक या म्यूजिक सिखाया है आपने विशारद वगैरह किया है तो अप्लाई कर सकते हैं पीए टू प्रिंसिपल सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव स्मार्ट बोर्ड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग इसमें कंप्यूटर वाले जितने भी आई वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम एंड एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव की की भी जरूरत है अब इसमें अप्लाई कैसे करना है सिर्फ एक अपडेटेड बायोडेटा लेना है जो लेटेस्ट आपका बायोडेटा है जिसमें आपका वैलिड नंबर मोबाइल नंबर मेंशन किया हुआ होना चाहिए आपकी ई मेल आईडी मेंशन की होनी चाहिए 9 जुलाई 2024 तक लेटेस्ट ईमेल आईडी पर आपको अपना बायोडाटा शेयर करना है सबसे पहले तो आपके पास बायोडाटा या तो हार्ड कॉपी होगी या फिर सॉफ्ट कॉपी होगी जिस फॉर्म में भी है उस फॉर्म को पहले आप पीडीएफ में कन्वर्ट करें अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप उसको स्कैन करें स्कैन करके फिर एक सिंगल पीडीएफ में पीडीएफ एक दो तीन अलग अलग पेजेस मत भेजें सिंगल पीडीएफ वन पीडीएफ में कन्वर्ट करें किसी भी और फॉर्म में मत भेजें पीडीएफ में भेजें और जब आप पीडीएफ शेयर करें तो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में जरूर मेंशन करें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इंग्लिश एट द संस्कृति स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश बाकी आप स्क्रीन शॉट ले लें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इन्होंने इमीडिएट ज्वाइनिंग लिखी है तो फिर मतलब जिस भी पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको इमीडिएट बेसिस पर जॉब मिलेगी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते लिख रहे हैं एक्सपीरियंस लेकिन अगर उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो फ्रेशर भी हायर कर सकते हैं 9 जुलाई तक इस ईमेल आईडी पर शेयर कर दें सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज रिपोर्ट रिकॉर्ड क्लर्क एट द संस्कृति स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश अब मेन कंटेंट तो आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल वगैरह करके अटैच करके भेज दें पीडीएफ को